नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हम लोग पिछले वीडियो लेसन में जाना था नाउन की परिभाषा, नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना था, नाउन की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, नाउन सफिक्सेस के बारे में जाना था, नाउन को कहाँ कहाँ रखा जाए उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग यही जानेंगे कि नाउन फ्रेज कहते किसे हैं। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह जान लेना ज़रूरी है कि फ्रेज कहते किसे है। फ्रेंड जो फ्रेज होता है वह दो या दो से ज़्यादा शब्दों का समूह होता है जिसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है किंतु कंप्लीट मीनिंग उसका नहीं होता है। जैसे आप कम अक्रॉस को ले लीजिए, आप कम अप को ले लीजिए, कम अप विथ को ले लीजिए, गेट अलॉन्ग विथ को ले लीजिए, गो डाउन को ले लीजिए, कट डाउन को ले लीजिए, स्टार अप को ले लीजिए, ओके ये सब सारे के सारे जो आप देख रहे हैं जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक सेंस देता है, एक मीनिंग है, एक डेफिनेट मीनिंग है, किंतु इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ऐसे ही जो शब्दों के जो समूह है उसे हम लोग फ्रेजेस कहेंगे। ओके फ्रेजेस अब जानते हैं कि फ्रेजेस कितने तरह के होते हैं। फ्रेंड फ्रेजेस जो होते हैं सो आपके तीन तरह के होते हैं। रेनन मार्टिन जो सुझाया है वो तीन तरह के आपके फ्रेजेस होते हैं। वे कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं? पहला जो होता है वो आपका होता है सो नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। और जो दूसरा जो फ्रेज है होता है वह होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। और जो तीसरा जो फ्रेज होता है, तीसरे तरह का जो फ्रेज होता है वह होता है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज जो होगा वह नाउन के जैसा काम करेगा, नाउन जैसा बिहेव करेगा। जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा, और जो एडवर्ब होगा वह एडवर्ब के जैसा बिहेव करेगा। अब हम लोग यह जान ले कि नाउन का बिहेवियर क्या होता है, एडजेक्टिव का बिहेवियर क्या होता है, एडवर्ब का बिहेवियर क्या होता है। किंतु हम लोग नाउन के बिहेवियर के बारे में पिछले लेसन में जान लिए थे कि नाउन का बिहेवियर क्या होता है। नाउन क्या होता है कि नाउन जो होता है वह क्या या किसको का जवाब होता है, ठीक है, वह नाउन होगा। ये पहला कंडीशन को हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में, है ना, पिछले लेसन में। दूसरा जो हम लोगों ने जाना था जो कौन का जवाब होगा वह नाउन होगा या नाउन हो सकता है। तीसरा जो होगा वह कौन होगा नाउन, वह जो होगा वह एज अ सब्जेक्ट प्रयुक्त होगा या एज एन ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होगा, ठीक है। अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रयुक्त होंगे या किया हुआ जहाँ पर भी आप देखेंगे तो वह हमारा नाउन फ्रेज होगा, या जो ऑब्जेक्ट के जगह पर जो फ्रेज इस्तेमाल किया हुआ आप पाएंगे वाक्य में वह ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है यदि दो या दो से ज़्यादा शब्दों का वह समूह होगा। तब बिंदु आप जाने हैं यहाँ पर कि जो फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या का जवाब होगा वह नाउन होगा, जो किसको का जवाब होगा वह नाउन होगा, जो कौन का जवाब होगा वह नाउन होगा। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसा फ्रेज जो सब्जेक्ट के जगह पर प्रयुक्त हुआ हो उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट के जगह पर प्रयुक्त हुआ हो वह हमारा नाउन फ्रेज होगा। तो बंधु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग नाउन फ्रेज कहते किसे हैं, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग उदाहरण लेकर के चलेंगे। अब फ्रेंड हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। वेल हम लोग पहला जो है ना सो वाक्य लेते हैं यहाँ पर। पहला वाक्य क्या है, टू कैच फिश इज प्रोहिबिटेड हियर, ओके। यहाँ पर आपको क्या खोजना है, यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है। आप यहाँ पर जो इज प्रोहिबिटेड हियर आप जो देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ निषेध है, निषेध है यहाँ क्या का जवाब आपको क्या मिल रहा है, टू कैच फिश मतलब मछली को पकड़ना, यहाँ निषेध है, यहाँ प्रोहिबिटेड है।
इस कारण से टू कैच फिश, ये नहीं कि टू कैच सिर्फ यहाँ पर लगा देंगे, टू कैच नहीं, यहाँ टू कैच, टू से लेकर के फिश तक हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप नाउन फ्रेज को देखें। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस को लेकर के चलते, दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है कैचिंग फिश इज प्रोहिबिटेड हियर। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, टू कैच फिश कहिए या कैचिंग फिश कहिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज कहिए या टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज कहिए। ठीक है, कैचिंग फिश इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पर भी जो है ना, जो सब्जेक्ट के जगह पर क्या आया है, कैचिंग फिश आया हुआ है। इस कारण से कैचिंग फिश जो है वह हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तीसरा वाक्य को आप लेकर के चलेंगे। तीसरा वाक्य क्या है, आई डू नॉट नो वॉट टू डू। यहाँ पर आप देखिएगा, इसका आप यहाँ तो सब्जेक्ट आई है ना, ये एक है यहाँ, इसलिए इसके बारे में हमें नहीं देखना है कि इसमें फ्रेज इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। ये तो आई तो एक सिंगल वर्ड है और ये प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पर यहाँ आई से लेकर के नो तक आप मीनिंग निकालिए। क्या मीनिंग निकल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। क्या, क्या का जवाब आपका व्हाट टू डू है ना, मैं नहीं जानता हूँ। क्या, क्या करना है वो मैं नहीं जानता हूँ। इस कारण से इस वाक्य में आप देखेंगे व्हाट टू डू जो है ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये क्या क्या जवाब है। अब अगला वाक्य को देखेंगे। अगला वाक्य क्या है, व्हाट टू डू इज नॉट नोन टू अस, या इसी का पैसिव वॉइस है। यहाँ पर व्हाट टू डू ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ है और यह नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर यही व्हाट टू डू हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। इस कारण से ये भी हमारा इस वाक्य में ये नाउन फ्रेज है। क्लियर। अब अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, माय फादर विशेस मी टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पर मेरे पिताजी मुझसे चाहते हैं क्या, क्या का जवाब क्या है, डॉक्टर होना। तो टू बी अ डॉक्टर इज अ नाउन फ्रेज हियर। ओके, तो यहाँ पर टू बी अ डॉक्टर यह नाउन फ्रेज है या संज्ञा संज्ञा फ्रेज है। ओके, अब अगला जो वाक्य है वो क्या है, माय फादर्स विश। हम जस्ट इसका सेंटेंस का स्वरूप बदल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, माय फादर्स, फादर विशेस मी टू बी अ डॉक्टर है, यहाँ पर माय फादर्स विशेस टू मेक मी अ डॉक्टर। दोनों का भाव तो एक ही निकल रहा है, लेकिन सेंटेंस, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी तो वही आपको प्रश्न करना है, मेरे पिताजी की विश है, इच्छा है क्या, मुझे डॉक्टर बनाना। ठीक है, मुझे डॉक्टर बनाना मेरे पिताजी की इच्छा है। तो टू मेक मी अ डॉक्टर, टू मेक मी अ डॉक्टर यहाँ पर आपका नाउन फ्रेज हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको इन सभी तरह के सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज की पहचान हो गई होगी। यदि आपको लगता है इसे उतारने की, तब आप वीडियो स्क्रीन को पॉज करिए, उसका स्नैपशॉट लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ओके, और जब आपको लगे कि हमें नाउन फ्रेज में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर से आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, अब अगला जो है, सो कुछ अगला जो जो सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस में भी आपको नाउन फ्रेज की को तलाश करना है। आप इस वाक्य में देखिए, इसमें कौन नाउन फ्रेज है, जस्ट ट्राई करिए। यहाँ पर आप मेक देख रहे हैं, ठीक है, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ आदमी को बनाता है स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान। आदमी को बनाता है, मनुष्य को बनाता है, कौन बनाता है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कौन का जवाब कौन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोने जाना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। तो इस कारण से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका नाउन फ्रेज है। ओके, अगर आप ये देखिएगा, दो नाउन फ्रेजेस है, अर्ली टू राइज और अर्ली टू बेड, और ये दो जो फ्रेजेस है वो एंड से जुटा हुआ है। दो फ्रेजेस के कारण से यहाँ पर हम लोग मेक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो दो फ्रेजेस है और दो कंसेप्ट है, लेकिन यदि इस वर्ब का, मेक का आप सब्जेक्ट खोजना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक इसका दायरा है इस सब्जेक्ट का, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो इस कारण से पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा नाउन फ्रेज होगा। ओके, हम लोग अगला एक उदाहरण ले, वी एंजॉयड सिपिंग टी एट द टी स्टॉल। यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट को लीजिए और इस वर्ब को लीजिए, हम लोगों ने
एंजॉय किया। हम लोगों ने मस्ती तो यहाँ तो अच्छा शब्द नहीं है, हम लोगों ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, क्या क्या जवाब आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? सिपिंग टी एट द टी स्टॉल। हम लोगों ने एंजॉय किया क्या? चाय की चुस्की लेना टी स्टॉल पर। टी स्टॉल पर चाय का चुस्की लेने का हम लोगों ने एंजॉय किया। तो सिपिंग टी एट द टी स्टॉल, यहाँ से यहाँ तक हमारा नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, इस नाउन फ्रेज में को भी यदि हम लोग तोड़ना चाहेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में, तब यहाँ सिपिंग क्या है, इस एंजॉय का के बाद आया हुआ ये जेरंड है। यदि कोई भी वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आता है इस तरह से, तब वो जेरंड होता है। और इस एंजॉय का ये जो है सो ऑब्जेक्ट तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन इस सिपिंग, इस इंडिविजुअल शब्द का जो ऑब्जेक्ट है वह टी है। ठीक है, चुस्की लेना हुआ यहाँ पर सिपिंग, क्या क्या चीज़ का चुस्की लेना, तो यहाँ टी आ रहा है। इसका यह डिमांड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सिपिंग टी, तो इसका ऑब्जेक्ट टी है। और एट द टी स्टॉल क्या है, ये कहाँ का जवाब है, हम लोगों ने एंजॉय किया चाय की चुस्की लेने का कहाँ पर, जो कहाँ का जो जवाब है एट द टी स्टॉल है, और ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। किंतु आप ये पूरा का पूरा जो आप फ्रेज देख रहे हैं, यह इस एंजॉय का ऑब्जेक्ट है। हम लोग एक ही सेंटेंस को देखना है ना, और ये फ्रेज है क्योंकि दो से ज़्यादा शब्दों का यहाँ पर ग्रुप है। ओके, और इस कारण से यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है वह है सिपिंग टी एट द टी स्टॉल। पूरा यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग तीसरा वाक्य को लेकर के चलते हैं। तीसरा वाक्य क्या है, बीइंग अ गुड ट्रांसलेटर इज माई एम्बिशन। ठीक है, यहाँ पर वर्ब और इधर कॉम्प्लीमेंट है माई एम्बिशन, इन दोनों को लेकर के आप प्रश्न करिए। इज माई एम्बिशन, वॉट इज माई एम्बिशन, क्या मेरा एम्बिशन है, क्या मेरी महत्वाकांक्षा है? एक अच्छा अनुवादक होना मेरी महत्वाकांक्षा है। तो क्या का जवाब आपका क्या रहा है, बींग अ गुड ट्रांसलेटर। इसलिए बींग अ गुड ट्रांसलेटर यह सब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ है। यह सब्जेक्ट है किसका, इस माई एम्बिशन, इस विधेय का, इस प्रेडिकेट का। इस कारण से ये यहाँ से यहाँ तक बींग अ गुड ट्रांसलेटर हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब अगला जो वाक्य है वो क्या है, आई ट्राई टू रेंडर बेटर सर्विसेज। यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरह से प्रश्न करिए, मैंने कोशिश किया। आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयत्न किया। मैंने प्रयत्न किया क्या, अच्छी सेवाओं को देने का, रेंडर मतलब देना होता है, अच्छी सेवाओं को देने का प्रयत्न किया। मैंने प्रयत्न किया क्या, टू रेंडर बेटर सर्विसेज। इसलिए टू रेंडर बेटर सर्विसेज या इस ट्राइड का ऑब्जेक्ट है। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आवे वह हमारा नाउन फ्रेज होगा। टू रेंडर बेटर सर्विसेज हमारा नाउन फ्रेज है। ओके, अब हम लोग अगला वाक्य को लेकर के चलते हैं। अगला वाक्य क्या है, वेटिंग फॉर ए बस एट द बस स्टॉप प्रूव्ड टू बी ऑफ नो यूज। यहाँ पर हमारा जो प्रेडिकेट है वो क्या है, प्रूव्ड टू बी ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं, कुछ प्रूव नहीं हुआ, अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ। क्या नहीं फायदा हुआ, वेटिंग फॉर ए बस एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करना, उसकी प्रतीक्षा करना करने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इस कारण से जो सब्जेक्ट के जगह पर आ रहा जो फ्रेज है वो क्या है, वेटिंग फॉर ए बस एट द बस स्टॉप। तो पूरा यहाँ से लेकर के बस स्टॉप तक नाउन फ्रेज होगा। ओके, वेल, अगला प्रॉब्लम को लेते हैं। अगला सेंटेंस है क्या, आई लाइक विजिटिंग ब्यूटिफुल प्लेसेस, मुझे पसंद है क्या, फिर क्या का जवाब आपका क्या आ रहा है, विजिटिंग ब्यूटिफुल प्लेसेस। तो विजिटिंग ब्यूटिफुल प्लेसेस ये हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, इस कारण से यह नाउन फ्रेज है, विजिटिंग ब्यूटिफुल प्लेसेस। ओके, अब कुछ अन्य एग्जाम्पल्स आप ले लें ताकि नाउन फ्रेज को आप अच्छी तरह से समझ सके, और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आवे तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सटीक आंसर पे हिट करें। ठीक है,
आपका एसएससी एग्जाम में तो ये चीज़ नहीं आता, लेकिन स्टेट लेवल की जितनी भी वैकेंसीज आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आपका नाउन फ्रेज पहचानने के लिए क्वेश्चन रहता है, वो लिखा वो इसी तरह से रहेगा, आई प्रेफर टेकिंग टी टू कॉफी, टेकिंग टी टू कॉफी को अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, और ऑप्शंस वहाँ पर रहेंगे कि टेकिंग जो अंडरलाइन जो पार्ट है वह किस तरह का फ्रेज है, वो नाउन फ्रेज है पहला ऑप्शन, एडजेक्टिव फ्रेज है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है दिया हुआ रहेगा वर्ब फ्रेज है, तो चौथा दिया हुआ रहेगा एडवर्ब फ्रेज है, या अन्य किसी भी तरह का कुछ ऑप्शन रहेगा, तो वो आपको इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी एग्ज़ाम में। आप जे टेट का आप जो है ना टेट का एग्ज़ाम में आप यदि बैठते हैं तो भी उसमें आपका इस तरह का प्रॉब्लम्स ज़रूर आता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से कर लें, समझ लें, कंसेप्ट को समझ लें। आई प्रेफर टेकिंग टी टू कॉफ़ी, मुझे ज़्यादा पसंद है क्या चाय लेना, ज़्यादा कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे चाय लेना पसंद है, मुझे पसंद है क्या, क्या का जवाब आपका क्या आ रहा है, टेकिंग टी टू कॉफ़ी, इस कारण से टेकिंग टी टू कॉफ़ी यह हमारा क्या है नाउन फ्रेज है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट इज द कन्फ्यूजन, इज द कन्फ्यूजन ये हमारा प्रेडिकेट है, यह हमारा विधेय है, तो सब्जेक्ट कौन है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसलिए व्हाट टू डू नेक्स्ट ये सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, यह सब्जेक्ट है, इस कारण से यह हमारा नाउन फ्रेज है, फ्रेज इसलिए क्योंकि एक शब्द से यह सब्जेक्ट नहीं बना है, इसमें कितने शब्द है, एक है, दो है, तीन है, चार शब्द आए हुए हैं सब्जेक्ट के रूप में, इस कारण से ये हमारा नाउन फ्रेज है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम को देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है, देर इज नथिंग बट सैंड्स देयर है, देर इज मतलब है, एक राजा था देर वॉज अ किंग, देर इज मतलब है क्या, कुछ नहीं सिवाय बालू के वहाँ, मतलब वहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, वहाँ है क्या, सिर्फ बालू ही बालू, क्या का जवाब आपका क्या आ रहा है, नथिंग बट सैंड्स देयर, ओके, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा, ओके तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप नाउन फ्रेज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में नाउन फ्रेज से रिलेटेड किसी भी तरह का वाक्य क्यों ना आवे, आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी कंसेप्ट पर, जो क्या का जवाब होगा, जो किसको का जवाब होगा, जो कौन का जवाब होगा, जो सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, जो ऑब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, वही हमारा नाउन फ्रेज होगा, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेसन में, जहाँ पर हम लोग जानेंगे, सीखेंगे नाउन क्लॉज किसको कहते हैं, क्योंकि वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारे कई सारे बंधु इससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कहे हुए थे, तो क्लॉजेस पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्लॉजेस की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किस तरह के आपके एग्ज़ाम्स में हो सकते हैं, उसको लेकर के हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे। Wish you all the best. Thank you.